आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Assassin's Creed सीरीज की लेटेस्ट गेम Assassin's Creed कोड रेड के न्यू अपडेट्स एंड लीक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, Assassin's Creed कोड रेड बेस्ड है एंशिएंट जापान में, एंड अब हमें ये भी पता लग गया है कि ये गेम आ रही है 2024 में, क्योंकि एक यूबीसॉफ्ट के एम्प्लॉय ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि Assassin's Creed कोड रेड 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गेम होने वाली है। एंड ये भी पता लगा है कि जून 2024 में होने वाले यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में हमें उसका एक डिटेल्ड सिनेमैटिक ट्रेलर एंड गेम प्ले भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि यूबीसॉफ्ट एक छोटा सा सिनेमैटिक ट्रेलर एंड गेम का एक्चुअल नाम यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड इवेंट से पहले बता दे, जैसे उन्होंने Assassin's Creed Mirage एंड Assassin's Creed Valhalla के साथ भी किया था। इनसाइडर गेमिंग के टॉम हेंडरसन का कहना है कि जस्ट लाइक Assassin's Creed Valhalla, हमें एक सेटलमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसे हम कोड रेड में हाइड आउट बोलेंगे, एंड ये Valhalla के सेटलमेंट सिस्टम से और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन एंड एक्टिविटीज के साथ आएगा, एंड प्लेयर्स इस सेटलमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल एंड ग्रो कर पाएंगे। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि Assassin's Creed कोड रेड एक ट्रू नेक्स्ट जेन गेम होने वाली है, एंड ये PS5, Xbox सीरीज एंड PC पे ही लॉन्च होगी। सो पुराने कंसोल प्लेयर जैसे कि PS4 कंसोल के यूजर्स इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। Assassin's Creed कोड रेड एक ट्रू नेक्स्ट जेन गेम होने वाली है, क्योंकि Ubisoft ने एक न्यू इंजन पे ये गेम बनाई है, जिसका मतलब है कि हमें एक कम्प्लीटली न्यू पार्कौर सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, डायनामिक वेदर एंड ब्रांड न्यू एनिमेशन एंड फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। Assassin's Creed कोड रेड के कॉम्बैट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये Valhalla से सिमिलर तो होगा, बट कोड रेड का कॉम्बैट एंड गेम प्ले इस सीरीज में सबसे ज्यादा वॉयलेंट होने वाला है। क्या आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो Assassin's Creed कोड रेड के लिए? अपने थॉट्स बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।